कुछ मिलकर नहीं आ रही, आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है, राबे हसन नदवी की अध्यक्षता में बैठक होगी, नदवा कॉलेज में एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक होगी, राम मंदिर, तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर चर्चा होगी, और इसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी गहन चर्चा होगी। मौलाना रशीद फिरंगी महली का बयान है, अयोध्या में मुस्लिम ही क्यों बड़ा दिल दिखाए, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम से ही क्यों आप उम्मीद लगा रहे कि बड़ा दिल दिखाए, ये फिरंगी महली का कहना है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में एक आईन, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसने कुछ कानून बनाए हैं, और उस कानून के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर जिसको जानकारी नहीं है, ये उसकी अपनी गलती है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड होती हैं, और उसके बाद मुल्क में आज़ादी के साथ अपना काम करती हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड भी सोसाइटीज़ एक्ट में पूरी तरीके से रजिस्टर है, और उसका रिटर्न बाकायदा फाइल होता है, और अपनी जिम्मेदारी से वो काम कर रहा है। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग से पहले जाहिर सी बात है अपना एजेंडा भी जारी किया, और केस जो लड़ा जा रहा है वो खुद सुप्रीम के सामने लड़ा जा रहा है, किसी एक तंजीम या फर्द या पार्टी के सामने नहीं। अनूप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, लाइव भी हमारे साथ मौजूद है। अनूप, ये किस मसले पर चर्चा हो रही है? देखिए, बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो है ये काफ़ी अहम बैठक जो है आज बुलाई गई है। मौलाना राबे हसन नदवी की अध्यक्षता में जो तमाम मेंबर्स हैं बोर्ड के, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। जो बैठक है लगातार ये चल रही है, वो माना जा रहा है कि काफ़ी देर तक जो है ये बैठक चलेगी। इसमें सबसे अहम मुद्दा यही है कि जिस तरह से जो बाबरी मामला है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही कोर्ट में लंबित है, और कोर्ट में माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इस पर कुछ फैसला भी आने वाला है, तो ऐसे में उस मसले को लेकर के जो है यहाँ पे चर्चा हो रही है कि आखिर जो भी फैसला आता है कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में आता है। नजर बना के रखिएगा, अनूप कुमार आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।